वेलकम बैक टू अ चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजफुल किचन टिप्स, जो आपके रोज के किचन के काम कर देंगे बिल्कुल आसान। आपके बहुत काम आएंगे ये किचन टिप्स। आप भी कहेंगे ये हमें पहले क्यों नहीं पता था। इतने अच्छे किचन टिप्स सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाते वक्त बेसन सिकने के बाद थोड़ा सा पानी छिड़क कर 4-5 मिनट और सेक लीजिए। इससे बेसन फूल जाएगा और लड्डू रवेदार बनेंगे। कटे हुए सेब में नींबू का रस डालने से ये खराब नहीं होता। पूरी या पकौड़े तलते समय तेल में चुटकी भर नमक डाल दे, इससे पकौड़े कम तेल सोखेंगे। इससे तेल की बचत के साथ ही आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया हो तो एक बड़ा आलू कच्चा छीलकर उसके 2 टुकड़े कर सब्जी में डाल दे। आलू अतिरिक्त नमक को सोख लेगा। आलू के पराठे बनाते समय आलू के मिश्रण में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालना ना भूले। पराठे इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि हर कोई ज्यादा खाना चाहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। दूध उबलते समय इस तरह के लकड़ी के चम्मच को दूध के बर्तन के ऊपर रख दे, उससे दूध नीचे नहीं गिरेगा। और लाइक जरूर कर दे वीडियो को, शेयर भी जरूर करें। आलू छीलने के बाद उन्हें नमक के पानी में डालें, जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। एक बर्तन में पहले ही पानी लेकर उसमें नमक घोल कर रख दे और आलू डालते जाए। हरी मटर को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए प्लास्टिक की थैली में डालकर फ्रीजर में रख दे, इससे वो ताज़ा बनी रहेगी। दाल के बर्तन की तली में लग जाने के बाद इसमें से जलने की बू आ रही हो तो परेशान ना हो। इसमें बारीक कटे टमाटर और लौंग का छोक लगाए गंध दूर हो जाएगी। तरी वाली सब्जी में पानी ज्यादा हो गया हो तो सूखी ब्रेड का चूरा या बेसन भूनकर डाल दे। अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया हो तो आटे को गूंदकर उसमें छोटे छोटे पेड़े बनाकर डाल दे, नमक कम हो जाएगा। मुरझाई हुई या बासी सब्जियों को फिर से ताज़ा करने के लिए ठंडे पानी में नींबू निचोड़कर इसमें सब्जियों को भिगो दे। पकौड़े भी बने और ऑयल भी ज़्यादा न लगे, इसके लिए बेसन के घोल में 1 नींबू का रस मिक्स कर ले। तंदूरी चपाती आप नरम बनाना चाहती है तो उसका आटा गूंथते समय उसमें दही मिला ले और आटा तैयार करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करे। दूध को उबालने से पहले भगोने या पैन में थोड़ा पानी डाल दे, ऐसा करने से दूध बर्तन की तली में नहीं चिपकेगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।